जय हिंद। सीबीएसई क्लास 10 आर्टिकल का कंपार्टमेंटल का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, इसका डेट शीट सीबीएसई ने 25 अगस्त को लॉन्च कर दिया है कि 25 अगस्त से हम एग्जामिनेशन लेंगे। अब यहां पर हम लोगों का साथ देने के लिए, जैसा कि हमने हर वीडियो में ये डिमांड कर रहे हैं और आप लोग भी इस बारे में मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं कि नए एग्जामिनेशन अब इस हाल में कैंसिल होना चाहिए क्योंकि कोविड का केसेस बढ़ चुका है। आज 20 अगस्त हो गया, आज तक एडमिट कार्ड सीबीएसई ने लॉन्च नहीं किया। इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद अपना ये प्रॉपर रूप से वर्क नहीं अभी हम लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और अप टू डेट आई है, निकल के आ रही है। आज विभिन्न समाचार पत्रों को आप अगर देखेंगे कंगालेंगे तो आज बहुत अच्छी तरह से ही पता चल रहा है कि सीबीएसई के खिलाफ स्कूल जो होते हैं, सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल भी इसके खिलाफ अब धरने में आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि वो भी विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से रिजल्ट निकाल देने के बावजूद बच्चों को मानसिक तनाव दिया जा रहा है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप स्कूलों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के साथ अब स्कूल भी साथ में आ गया है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव वे है। सो गाइस, आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई को जारी रखें, और खाली समय में जो वीडियो जब आता है उसे देखकर लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि हम लोगों की मांग जो है कि या तो सीबीएसई एग्जामिनेशन ऑनलाइन ले या फिर आपको एग्जामिनेशन कैंसिल कर दे। मैं हमेशा इस वीडियो में हमेशा बताता हूँ कि वीडियो में कि आप एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे हमारा बेनिफिट नहीं है, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि इस कोविड के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि केसेस बढ़ता जा रहा है, विभिन्न स्कूल भी खुलने की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और स्कूल खुल भी रहे हैं। तो अब सेंटर जो भी के बारे में अगर बात भी करें तो सेंटर जो है वो आपको एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वाई स्कूल में आपका सेंटर पढ़ने जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन वहां पर क्या फर्क होगा कि आपके स्कूल के टीचर्स नहीं होंगे, दूसरे स्कूल के टीचर्स होंगे। हम लोग का ये डिमांड है कि जिस स्कूल में अगर है तो उसी स्कूल में एडमिट आप एग्जाम ले लीजिए, यानी होम सेंटर के रूप में ले लीजिए, या फिर आप एग्जाम कैंसिल कीजिए या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम लें। यही हमारे पास हम लोगों का तीन मांग है, तीन मांग से जो भी सीबीएसई अगर मानती है वो सीबीएसई इसको मान ले, क्योंकि कोविड का केसेस बढ़ता जा रहा है। अब पेरेंट्स भी बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि अब कोविड का केस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस सिचुएशन में हमारे केसेस में एग्जामिनेशन जाकर देना बहुत ही टफ हो रहा है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए टेंस की बात हो गई है, टेंशन हो गया है। सो गाइज, आपको क्या करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अपनी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और लोग क्या, छात्र क्या मांग कर रहे हैं, ये बातें सीबीएसई तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास जो है सारे सबस्टांस जो है वो हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ है, बच्चे हमारे साथ है और स्कूलों के द्वारा भी हमारे साथ हो गए हैं। तो हम अब प्रोटेस्ट को ढंग से कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे, जो वक्त आपको 5 मिनट 10 मिनट जो मिलता है वो वीडियो को देखकर लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। लेटेस्ट अप टू डेट क्या आता है तो फिर बताता हूँ, जब तक लिया जा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।